हाय, हाय, वेलकम बैक टू क्या बातें चैनल। हम वेलकम लोग बैक। जा रहे हैं तिरुपति दर्शन को, और अभी हम लोग हैं यहाँ पे थाने स्टेशन पे वेट कर रहे हैं ट्रेन का। तो अभी 10-15 मिनट में ट्रेन आ जाएगा और उसके बाद हम निकलेंगे तिरुपति को। और हम लोग जा रहे हैं कहाँ पे? तिरुपति, तिरुपति बालाजी के दर्शन के लिए। तो दोस्तों हम लोग आए हैं कल्याण में। कल्याण में जर्नी स्टार्ट हो चुका है और कल हम 1:30 बजे पहुंचेंगे। कल हम 1:30 बजे पहुंच के वहाँ पे चेक करेंगे, होटल कुछ अवेलेबल हो तो होटल का बुकिंग कर लेंगे। पहले तो हम लोग तिरुमला ऊपर चढ़ जाएंगे, ऊपर जाके फिर होटल का बुकिंग करेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट, और कल हम लोग फिर से नया मिलेंगे वीडियो बना के। कहाँ पे मिलेंगे हम लोग? तिरुमाला नहीं, रेणिगुंटा स्टेशन पे मिलेंगे, वहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों कोविड में गड़बड़ हो गया है यहाँ पे। ट्रेन में ना बेड मिलता है, ना पिलो मिलता है, ना चद्दर मिलता है। ये एक छोटा सा गड़बड़ हो गया है यहाँ पे। अब अगर ट्रेवल करते हो कोविड सिचुएशन में तो कंफर्म कर लो एक बार, या तो फिर अपना पिलो, या तो पिलो नहीं कम से कम चादर तो लेके चलो यार, जैकेट या चादर लेके चलो, क्योंकि रात को फिर ठंडी लगेगी। तो टूटा ही एसी में ठंडी चालू रहता है, कंटिन्यूस एसी चालू रहता है। आ गए हम लोग रेणिगुंटा स्टेशन। दोस्तों हम लोग आ गए हैं एक होटल में, जहाँ पे हम लोग खाना खाने बैठे हैं। अभी फिलहाल दाल खिचड़ी खा रहा है मेरा लड़का मिस्टर चिन्नई। दोपहर का 3:30 बज गए हैं, हम लोग आ गए हैं राज पार्क व्यू हिल व्यू होटल में। काफी अच्छा होटल है। आ गए हम लोग, ये आपको दिखा दिया है मैंने, या तो रिकॉर्डिंग दिखा देता हूँ मैं आपको रूम का। अच्छा है, ओके है, प्रॉब्लम नहीं है, काफी अच्छा है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो जिनो आपको रूम कैसा लगा? मुझे तो अच्छा लगा। ये मेरे को भी अच्छा लगा। क्या बोलता है जिनू? पापा अगर लाइट को जैसे ही रखा था, एक जो 3 लाइट से जलने लग जाती है। अच्छा है, कंट्रोल वाला। हिल के ये राज पार्क भी, अरे इधर ही नाम देखने दे यार, बहुत अच्छा है। राज पार्क बोलना चाहिए। तो आगे देखते हैं, कल सुबह 4 बजे हमको जाना है तिरुमाला से सीधा ऊपर। तिरुमाला में जाना है हम लोगों को, यहाँ से एक कैब किया हुआ है तो सुबह मॉर्निंग में आ जाएगा 4 बजे। 1 घंटे का कुछ डिस्टेंस है यहाँ से ऊपर जाके, फिर हम लोग वहाँ पे दर्शन करेंगे। और ये सब जो सब हम लोग कर रहे हैं विदाउट बुकिंग ही कर रहे हैं, कुछ बुकिंग किया नहीं है हम लोग ने, ना होटल का बुकिंग किया था, ना ही ऊपर तिरुपति का दर्शन का कुछ जो लाइन का बुकिंग है कुछ नहीं किया। रूम सर्विस आया, मैं बाद में बात करता हूँ। अपने नाम का पेज काटा है और नीचे दूसरे ने असाइनमेंट किए रहे। आज हम लोग आपको, हम लोग 4 बजे निकलने जा रहे हैं तिरुपति राजा के पास, जेरी बालाजी का दर्शन करने के लिए। तो हम लोग अभी स्वागत करने वाले हैं, वो करने वाले हैं। चार लोगों को बुला लिए, तो हम लोग आपको दिखाते हैं। देखो ऐसे हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या क्या हम लोग आपको वहाँ पे बताते हैं।
दोस्तों कल सुबह हम लोग जा रहे हैं कहाँ पे? कल सुबह मॉर्निंग में उठ के 4 बजे हम लोग जा रहे हैं तिरुपति बालाजी के दर्शन करने के लिए, तिरुपति बालाजी का दर्शन करने के लिए। क्या बोलेगा आप? तिरुपति चालू कर, वहाँ से चालू कर, चालू ही है। उधर रख, उधर सामने ढील के आगे रख दे। अबे नीचे नीचे, ऊपर नहीं, नीचे रख। और टेढ़ा क्यों रखा है? सीधा रख। वेलकम बैक टू क्या बात है चैनल। हम लोग है पार्क व्यू हिल होटल में और हम लोग क्या करने वाले हैं कल सुबह? कल सुबह हम लोग जा रहे हैं 4 बजे तिरुपति बालाजी का दर्शन करने के लिए। और 4 बजे उठने के लिए हमें जल्दी सोना पड़ेगा, इसके लिए हम लोग कल मिलेंगे। बाय बाय दोस्तों, हम लोग रेडी हो चुके हैं। सुबह का 4 बज चुका है, ये टाइम देख लो। वाओ, और हम लोग का जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं अभी। तिरुपति बालाजी का दर्शन के लिए हम लोग निकल रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं तिरुमाला और यहाँ पे टोल नाका के पास सब चेकिंग हो रहा है। पान गुटखा वुटखा कुछ अगर ले जाते हैं तो दारू वारू कुछ भी अलाउड नहीं है, तो यहाँ पे सारे लोगों का गाड़ी में चेकिंग होता है। तो चेकिंग क्रॉस होने के बाद हम लोग निकलेंगे लेने के बाद। चलेगा। थैंक यू। भारी वीडियो बना रहे हैं। बाहर वीडियो नहीं, ऐसे देख रहे हैं ना अपन, मस्त लग रहा है ना। एंट्री कर लिया हम लोगों ने, अभी लाइन में जाएंगे सीधा धीरे धीरे। मॉर्निंग में ज़्यादा गर्दी नहीं होता है बोलते, फिर भी 2-3 घंटा लग जाएगा, बट ठीक है, दर्शन करने आए तो हम लोग दर्शन करके जाएंगे। वाह, बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग आ गए राज पार्क के रेस्टोरेंट में और हम लोग ने ऑर्डर किया है साउथ इंडियन थाली और क्या डाला है तुमने?
तूने क्या ऑर्डर किया? हाँ तो साउथ इंडियन थाली ऑर्डर किया, साउथ में आके तो साउथ इंडियन थाली खाना जरूरी है, इसके लिए हम लोग ने वही ऑर्डर किया है। चलो देखते हैं किस तरह का खाना है, बट ये खाना बहुत अच्छा है यहाँ का। ठीक है, हम लोग ने खाना खाया हुआ है वेज नूडल्स चाइनीज आइटम में, और पुलाव खाया वेज, काफ़ी अच्छा था, टेस्टी है खाना, ट्राई कर सकते। आओ दोस्तों, आ गया ये साउथ इंडियन फूड थाली, देखो ये काफ़ी अच्छा दिख रहा है, देखने में तो यमी दिख रहा है। चलो तो दोस्तों हो चुका है तिरुपति बालाजी का दर्शन। सॉरी मैं वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि वहाँ पे हम लोग को मोबाइल सबमिट करना पड़ता है, और मोबाइल सबमिट करने के बाद सीधा दर्शन के बाद एग्जिट पे ही हमें मोबाइल मिलता है। हाँ लेकिन अच्छा था ये, काफ़ी अच्छा था दर्शन, बहुत ही अच्छी तरह होता है। एक बात है, हम लोग इस बार कुछ भी बुकिंग करके नहीं गए थे, ना पासिस का बुकिंग किया था, ना हम लोग ने होटल का बुकिंग किया था, सीधा रेणुकंठा स्टेशन पर उतरे और वहाँ पर जो लोकल कैब वाले अवेलेबल थे उनको पकड़ के उनसे हम लोग ने पता किया कि होटल कौन सा है। तो वो तो कुछ पर्सनल एक कहाँ पे लेके गए थे हम लोग को, होटल के एक पर्सनल रूम में लेके गए थे, वो बोल रहे थे कि यहाँ पे रूम में किसी का घर था, बट हम लोग ने वहाँ स्टे नहीं किया क्योंकि खाने पीने का वादे थे वहाँ पे। उन्होंने बोला था कि खाने पीने के लिए उनको बाहर से ऑर्डर करना पड़ेगा, 2000 रुपीज़ पर 24 आवर्स का ये रहेगा स्टे। बट एक होटल हमें मिला था ऑनलाइन, हम लोग ने चेक किया था वहीं पर तिरु रेणुकंठा में, तो पार्क राज हिल व्यू का होटल जो है, काफ़ी अच्छा होटल है, हम लोग वहाँ पे स्टे कर रहे हैं और अच्छा खाना पीना भी काफ़ी अच्छा है, रीज़नेबल है, ये कुछ ज़्यादा ये नहीं है। और तिरुमाला जाने के लिए जो एंट्रेंस होता है जो पहाड़ पे जाने के लिए, ये वहाँ पे होटल है, काफ़ी अच्छा होटल है। तो दो दिन के लिए हम लोग, दो दिन से तो हम लोग यहीं पर हैं, हम लोग ने तिरुपति बालाजी के दर्शन तो कर लिए है, मेरा मुंडन कर लिया है, मेरा लड़का ने तो मुंडन नहीं किया, भाई सब सो गया था एकदम, वो टोटली कम्प्लीटली डाउन हो गया था। हाँ मैं कह रहा था कि फ्री का जो दर्शन है वहाँ पे बहुत ही डिले होता है, ये सच बात है, क्योंकि फ्री के दर्शन में क्या होता है कि अभी हम लोग ने निकाला था 14th को दर्शन के लिए, वहाँ पे हम लोग गए थे वो भी सुबह 4 बजे, 12 बजे तक हम लोग रुके थे वहाँ पे। एक्चुअली एक ऑप्शन दिया जाता है कि री एंटर करो आप, वहाँ पे हम लोग का टाइम आया था रात के 11:15 का, हम लोग 14 को गए थे, 15 को पहुँचे, 15 को हम लोग ने सुबह 4 बजे हम लोग का टाइम चालू किया था दर्शन का, तो 4 बजे हम लोग यहाँ से निकले, 5 बजे वहाँ पे पहुँचे, और 5 बजे से 12:15 तक हम लोग यही कन्फ्यूजन में थे कि ये रात का 11:15 का दर्शन होगा कि सुबह का 11:15 का हमको मिलेगा। तो वहाँ पे रूम्स काफ़ी, यानी बड़े बड़े हॉल्स हैं फ्री के, जो भी आते हैं जो दर्शन करने के लिए या जो भी दर्शन करने आते हैं, अभी पहले जैसा नहीं रहा, काफ़ी अच्छा बंदोबस्त किया गया वहाँ पे, बड़ा एकदम हॉल्स बना के रखा है जहाँ पे लोग फ्री में भी आते हैं या जो भी दर्शन के लिए आते हैं वहाँ पे स्टे करते हैं, टॉयलेट्स बाथरूम अवेलेबल है, प्रसाद देते हैं और टाइमली बेसिस पे दोपहर को सुबह, तो खाने पीने के लिए भी काफ़ी अच्छा है, बट भीड़ बहुत रहता है। तो वहाँ पे अगर फ्री में जाओगे, फ्री में आपको एक ऑप्शन मिलता है कि फ्री में, या तो नॉर्मली ये लोग एक ऑप्शन देते हैं जहाँ पे री एंटर का एक ऑप्शन है, वो अगर सपोज आप आज एंट्री करते हो सुबह 4 बजे और आपका टाइमिंग स्लॉट जो है, टिकट्स आपको टोकन दिया जाता है उसमें टाइम स्लॉट जो है वो देख लेना, क्योंकि वो हम लोग ने नहीं देखा था, वो अगर टाइम स्लॉट्स पे आपने देखा कि कल का टाइमिंग है तो आप लोग उसको री एंटर करके फिर से जा सकते हो, आप एग्जिट करो, आपका मोबाइल ले लो और वहाँ पे वही टिकट, वो लोग फोटो स्कैन करते हैं, जब भी आप अंदर जाओगे वो टिकट दिखाओगे तो फोटो स्कैन हो जाता है और आपको री एंटर यानी 1 घंटे पहले आप जा सकते हो, तो वहाँ पर जाके आप ये कर सकते हो, 1 घंटे की जगह पर आप 2 घंटे पहले जाओ, क्योंकि हम लोग 12 बजे तक, तो ऐसे 4 बजे सुबह गए थे, 12 बजे तक तो वहाँ पे रुके थे, हम लोग को लगा कुछ कन्फ्यूजन है, कुछ 11:15 का हम लोग का टाइम था, बट हम लोग को लगा कि ये शायद कुछ AM और PM का गड़बड़ होगा, बट टिकट पे टाइम देखा और वहाँ पे एक बड़ा सा डिस्प्ले भी होता है, TV रखा जाता है जिसमें टाइम दिया जाता है, तो वो सब थोड़ा कन्फ्यूजन में हम लोग थोड़ा डिले कर बैठे, तो हम लोग को दोपहर को फिर वापस नीचे आना पड़ा ऑन द वे, क्योंकि ये भाई साहब हमारा छोटू था, ये काफ़ी उसको तबीयत भी ख़राब था, यानी सर्दी और बुखार था, तो फिर हम लोग नीचे उतर गए फिर वापस हम लोग 10 बजे निकल गए वहाँ पे, 10 बजे पहुँच के फिर हम लोग ने दर्शन ले लिया, रात के कुछ तकरीबन 3 बजे तक हम लोग का दर्शन हो चुका था, मुंडन कर लिया, सब कुछ हो चुका है और आज हम लोग जाने वाले हैं
पद्मावती टेम्पल में, तो वहाँ देखते हैं क्या है किस तरह है। वो कहते हैं ना बालाजी का दर्शन करने के बाद पद्मावती का टेम्पल का दर्शन करना बहुत ज़रूरी है, तो इसके लिए वो हम लोग कम्प्लीट करेंगे। तो बाकी का वीडियो देखते हैं, जैसे जैसे होगा मैं डालते जाऊँगा। थैंक यू दोस्तों। एक चीज़ बताना भूल गया था कि तिरुपति को जाने के लिए रेणुगुंटा से बसेस भी अवेलेबल है, और वो बसेस काफ़ी फ्रीक्वेंटली अवेलेबल है। कुछ 100 रुपये लेते हैं वो लोग नीचे से ऊपर जाने के लिए, तिरुमाला तक छोड़ने के लिए। तो वो भी अच्छा एक ऑप्शन है, अगर आप अकेले हो, कुछ सामान ज़्यादा नहीं है और जाना है, एक एडवेंचरस कुछ करना है, तो ठीक है, वहाँ पर बस भी पकड़ के जा सकते हो। तो रेणुगुंटा स्टेशन हम लोग पहुंच गए हैं, पद्मावती टेम्पल का भी दर्शन हो चुका है, और अभी हम लोग का 8:50 का ट्रेन है, थोड़ी देर में आ जाएगा। तो हम लोग बस ट्रेन का राह देख रहे हैं यहाँ पे।